नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 171 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 8 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 221 मरीजों की ठीक होने की भी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,38,978 हो गई है। इनमें से 225 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2896 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 752 लोगों की जान जा चुकी है। तो तेजी से कोरोना के मामले उत्तराखंड में भी घट रहे हैं, जिसकी वानगी करते हुए ये आंकड़े पर आप एक नजर डाल सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 3,38,978 हो गई है। इनमें से 3,23,225 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं जो सक्रिय मरीज इस वक्त हैं वो घटकर 2896 पहुंच गए हैं। और मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो वो समान है, 7,052 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के चलते। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 171 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस खबर पर संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ कोरोना अपडेट मिल पा रही है उत्तराखंड की? जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना की दूसरी लहर अब नियंत्रण में है। पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ नए मामले घटे हैं बल्कि मरने वालों की संख्या में कुछ कमी आई है। अगर बात करें मंगलवार को तो प्रदेश में कोरोना के 171 मामले आए हैं। खास बात यह है कि 8 जिलों में कोरोना के मामले 10 से कम रहे हैं, वही अलग अलग जिलों में 221 मरीज ठीक भी हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट 95.35% पहुंच गई है। वही सक्रिय मामले भी घटकर 2896 रह गए हैं। मैं आपको बता दूं कि राज्य में अब तक के कोरोना के लगभग 3,38,978 मामले आए हैं, जिनमें 3,22,225 स्वस्थ भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल विनोद, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अभियान जो है वो वैक्सीनेशन अभियान है, जिसमें सभी को वैक्सीनेट करने की भी बात हो रही है। तो वैक्सीनेशन पर इस वक्त कितना कुछ प्रभावी तौर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड में? जी, मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड में महाअभियान के दूसरे दिन भी रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। जन सामान्य के में उत्साह के साथ अधिक संख्या में वैक्सीन लगाकर जन जागरूकता का परिचय दिया है। मैं आपको बात करूं अगर मंगलवार की, तो मंगलवार को 1,23,225 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है और अब तक एक दिन में टीकाकरण सर्वाधिक आंकड़ा है। और एक दिन में राज्य में लगभग 1,14,168 व्यक्तियों का को टीका लगा गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि राज्य में टीकाकरण का महाअभियान अभी 3 दिन और चलेगा, जिसमें हर दिन 1,00,000 से अधिक व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। जी ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में जून के महीने में हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखी गई। भारत चीन सीमा से लगे माणा पास क्षेत्र में पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई। यहां की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पूरा क्षेत्र ताजी बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। जून महीने में बर्फबारी होने की बात अचंभित करती है, लेकिन ये सच है कि चमोली जिले के करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर 1-2 दिन पहले जमकर बर्फबारी हुई। इन दिनों इस क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन के मजदूर काम कर रहे हैं और यहां सड़क बनाने का काम चल रहा है। तो जून के महीने में बर्फबारी, हालांकि मनमोह लेने वाली ये तस्वीरें हैं, लेकिन इस बर्फबारी के चलते आम जन को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी तरफ की सच्चाई ये भी है। तो जहां इस बार जून महीने में ही बर्फबारी जो है वो चमोली के क्षेत्रों में कई गुना ज्यादा हो रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो माणा पास क्षेत्र है जहां पर भारी बर्फबारी देखी जा रही है। उत्तराखंड में जून के महीने में हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, पूरा क्षेत्र ताजी बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं।
चमोली जिले के करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर एक दो दिन पहले जमकर बर्फबारी हुई। इन दिनों इस क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के मजदूर काम कर रहे हैं और यहां सड़क बनाने का काम चल रहा है। तो सड़क बनाने का काम चल रहा था लेकिन बर्फबारी की वजह से वो भी बाधित हुआ है। टिहरी झील में 52 दिन बाद आज से स्पीड और सामान्य बोटों का संचालन शुरू हो गया है। दोपहर 12 बजे तक बड़ी संख्या में पर्यटक बोटिंग के लिए पहुंचे हैं। बोटिंग करने आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। शारीरिक दूरी के साथ ही बोटिंग क्षमता की 50% सीटों पर ही पर्यटकों को बैठाने की अनुमति होगी। 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली टिहरी झील में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण 30 अप्रैल 2021 से बोटों का संचालन पूरी तरह से बंद था। वर्तमान में झील में 99 बोटों का संचालन होता है। तो टिहरी झील में बोटों का संचालन भी बंद पड़ा हुआ था। कोरोना के चलते कई लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी लेकिन अब टिहरी झील में बोटों का संचालन शुरू कर दिया गया है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और 50% से कम क्षमता रखने का अनिवार्य बताया गया है। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों की हालत खस्ता है। बेतरतीब तरीके से बनाई जा रही सड़कों का मलबा लोगों के मकानों में आने से उनके मकानों को खतरा बना जा रहा है। पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को बार बार बताए जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता बीआर आर्या ने बताया कि जनपद में बरसात के कारण 46 सड़कें टूट चुकी हैं जिनमें 50 करोड़ का नुकसान हो गया है जिसके लिए बजट मंगाया गया है। जल्द ही कार्य किया जाएगा। मनान सलिंगे मोटरमार का कार्य अभी जो चल रहा है। विगत कुछ दिन से हो रही भीषण बारिश की वजह से सलिंगे के पास रोड का हिस्सा टूट के नीचे मकानों तक पहुँच गया है जिससे नीचे रह रहे मकान वालों को काफ़ी खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं जिला प्रशासन व पीएमएसवाई वालों से यह निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द उस कार्य को कीजिए करने की कृपा करें जिससे नीचे रह रहे लोगों को कोई मैं इस खबर पर संवाददाता दिनेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता बीआर आर्या ने क्या कुछ बताया है कि बरसात के कारण जो ये सड़कें टूटी हुई हैं उन पर उनका क्या कहना है, क्या स्पष्टीकरण दिया है? जी कीर्ति जी, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक महत्वपूर्ण योजना रही है जिसका जो लाभ है वो दुर्गम क्षेत्र की ग्रामीण जनता को हमेशा मिला है लेकिन व्यवस्थागत कमियों के चलते इन कार्यों का निर्माण जो होता है वो ऐसे समय पर किया जाता है जिस समय की बरसात का समय हो या फिर इन कारणों से कई कारणों से इस मिट्टी को जो ये बनती है सड़कें उस मिट्टी को भी सड़कों में फेंक दिया जाता है। तो जब हमने अधिशासी अभियंता महोदय से बात की तो उन्होंने इसके बजट पर तो बात की है लेकिन कई तकनीकी ऐसे कारण हैं जिसको लेकर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि सड़क का निर्माण किस समय में किया जाए और कैसे किया जाए ताकि जो मलबा है वो समय से हट सके क्योंकि नीचे रहने वाली जो ग्रामीण आबादी है अक्सर ये मलबा ठेकेदार लोग वहीं छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो मलबा नीचे जब जो पानी का निकासी के रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं बरसात में और उसकी वजह से पानी ऐसे रिसने लगता है जो घरों तक आता है। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जो ये टूटी हुई हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं तो इससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम जन लोगों को? जी बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया कि 46 सड़कें जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं यानी कि उन ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क भी लोगों से कट चुका होगा। दूसरा यह है जो मलबा आ रहा है तो उनके घरों तक जा रहा है और उससे वो जो घरों के नुकसान हो रहा है वो कई बार वो नुकसान रात के अंधेरे में अगर मलबा आए तो जानमाल तक भी हो सकता है तो ये बहुत खतरनाक स्थितियां होती हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 46 सड़कें टूटी होने से आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपने भी सुना कि किस तरह से ये जो मलबा है ये ऊपरी इलाकों से टूट कर नीचे गिर जाता है जिससे अक्सर सड़कें जाम हो जाती हैं लेकिन इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है जिसके लिए बजट मंगाया गया है और जल्द ही कार्य किया जाएगा, इस बात को अधिशासी ने सुनिश्चित किया है।
हरिद्वार के गढ़मीरपुर में दो पक्षों के आपसी विवाद में दो महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लॉक बहादुराबाद के क्षेत्र गढ़मीरपुर में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच आपसी विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चल पड़े। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया है। पूरे देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और मॉनसून की दस्तक के साथ पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। देहरादून चमोली समेत कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। थराली में भी हुई तेज बारिश और आंधी की वजह से कई पेड़ सड़कों पर गिर गए। पेड़ों के गिरने की वजह से बिजली की तारें भी गिर गई और बिजली के पोल पर भी काफी नुकसान हुआ है। समस्या के बाद मौसम के ठीक होने पर बिजली विभाग के कर्मचारी अस्त व्यस्त पड़ी लाइनों को ठीक करने के लिए मौके पर पहुंचे। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के कनिष्ठ अभियंता गजपाल सिंह रावत ने बताया कि हमारे सभी लोग जोर शोर से विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में जुटे हुए हैं और जगह जगह सड़कें और रास्ते खराब होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। आगे कहा कि काम के बाद जल्द ही विद्युत आपूर्ति को बहाल किया जाएगा। अति ज्यादा बारिश होने के कारण पूरी लाइनें क्षतिग्रस्त हैं। 33 केवी संभावना है कि शाम तक बहाल हो सकते हैं। नारायणगढ़ 33 केवी सब स्टेशन तक, बाकी 11 केवियाँ तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है जिसकी संभावना 2-3 दिन में बन सकती है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बहाल। शातिरा कुख्यात बदमाशों के खिलाफ पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है और अब कुख्यात बदमाशों के पल पल की जानकारी पुलिस के पास रहेगी। बता दें कि पुलिस को कुख्यात बदमाशों के खिलाफ उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए गैंगस्टर जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने में भी आसानी होगी। DIG STF नीलेश भरने ने बताया कि किसी भी विवेचना अधिकारी को इससे सहूलियत मिलेगी। कुख्यात अपराधियों का 10 साल का आपराधिक डेटा ऑनलाइन वेबसाइट में डाला जा रहा है। इसे लेकर सभी विवेचना अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है, वो इस डेटा के जरिए कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी करें ताकि कुख्यात अपराधियों को आसानी से जमानत मिल सके। ऐसे कुख्यात बदमाश रहते हैं, उनकी एक डोजियर बनाता है, वॉचलिस्ट बनाता है जिस पे हम लोग इन पर नज़र रखते हैं। इस पे जो है वो इनके वारंट निकालते हैं, NPW गैंगस्टर इस तरह से जो है बड़ी कार्रवाई हम लोग इनके ऊपर करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार जो है ऐसे लोगों पे जो है ये लगातार आदतन बदमाश होते हैं। प्रोफेशनल क्रिमिनल एक ही प्रकार के क्राइम ये लोग करते हैं, जैसे ड्रग्स रिलेटेड हो या ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग या इस तरीके के ऑफेंस जो है ये लगातार करते रहते हैं। तो हम लोग विवेचक यदि कोर्ट में ये उसका पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री अगर सही से हम देते हैं तो उसको बेल जो है मिलने में। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच लहचल शुरू हो गई है। इसी क्रम में चुनाव से पहले लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों की हालत सुधारने का काम शुरू हो गया है। लंबे समय से जिन सड़कों में गड्ढे हो गए थे, जो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई थी, उन सड़कों को ठीक किया जा रहा है। इन सड़कों के गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ये काम कई संस्था द्वारा कराया जा रहा है। वहीं इन सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत के लिए काम से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं और लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लिंक सड़क के कई गांव को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि इस पर वाहन तो क्या, पैदल चलना तक मुश्किल है और यहां के लोग बीते लंबे समय से सड़क के निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पुनर्निर्माण की जगह सिर्फ सड़क पर बने गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। कि हाँ जैसे तैसे अच्छे रोड बन जाए, टूटी पड़ी पूरी रास्ता। बाकी जो लोकल नेता है BJP इसी का अभी जो सरकार में है, वो उनका सीधा सीधा कहना है कि रोड सही है, सबको दिख रहा है कि रोड टूटी पड़ी है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं रोड सही है हमारी। ये तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। बगल का रोड में देखो, अच्छी खासी रोड बनी है, हल्ली चौड़ बनी है, हमारी रोड के साथ नाइंसाफी हो रही है। दो का अपमान है। अशोक चक्र अपने मोहनदा है, उनका शहीद मोहनदा यहाँ पर रहते हैं। ये रोड भी देखो टूटी पड़ी पूरी सारी, और ये सिर्फ ये बलुआ इसी के लिए आया है कि मतलब खाली जहाँ पर टूटी छोटी छोटी है सिर्फ मरम्मत की जा रही। पहाड़ों में कोरोना की नई गाइडलाइन को जारी किया गया है, लेकिन इस गाइडलाइन के तहत पर्यटक स्थलों को लेकर कुछ सरकारी जानकारी नहीं दी गई है। इसी वजह से व्यापारियों में खासा नाराजगी दिखाई दे रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो माल रोड और अपने होटलों में ही कैद होकर रह गए हैं।
इस बारे में व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल कहते हैं कि प्रदेश सरकार जहां एक ओर शराब व्यवसायियों को बढ़ावा दे रही है और शराब परोसने वाले संस्थानों को 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। कोरोना की मार झेल रहे गरीब व्यवसायियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जहां एक ओर गरीब विरोधी होकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं प्रदेश की जनता बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है। होटल्स खुले हैं यहाँ पर, सारा आधा चीज़ें खुले हैं, लेकिन ऑल द विजिटिंग स्पॉट्स आर क्लोज्ड। तो कहीं भी जाते हैं फिर गेट बंद होता है, इट्स लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट। या तो खोलो या मत खोलो, ये हाफ एन आवर का चक्कर क्या है भाई? आप इतनी दूर से आ रहे थे, उम्मीद से आए हुए कि मस्जिद में आ रहे हैं घूमने, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कोरोना कर्फ्यू भी काफ़ी चल रहा है, आप बहुत दिन में घूमने ले रहे थे, इसके दौरान आप क्या कहना चाहेंगे? कर्फ्यू होना ठीक है, लेकिन अगर लॉकडाउन खोल दिया तो खोल दिया अपने स्टेप्स के हिसाब से, लेकिन एक तो होटल्स खुले हैं और आधी सारी दुकानें बंद हैं। कोरोना वर्ष कोरोना के ये दूसरा साल चल रहा है जब कोरोना संक्रमण की लहर पूरे विश्व भर में तबाही मचा रही है, और मसूरी के जो आम नागरिक हैं, आम जनमानस है, यहाँ का व्यापारी है, वो बड़ा परेशान है। राज्य सरकार द्वारा व्यापारी की सुध नहीं ली जा रही, व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हम सुबोध उनियाल जी से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। उन 3 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न यही है कि अगर पर्यटकों को आवागमन की अनुमति है मसूरी में, उत्तराखंड में, तो पर्यटक स्थल बंद क्यों है? पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।